और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां सीएम साय ने बड़ी घोषणा की है। कर्मचारियों की मांग पर सीएम साय ने मोहर लगा दी है, कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। केंद्र के समान डीए की मांग पर सीएम विश्वदेव साय ने मंजूरी दे दी है, कर्मचारियों को केंद्र के समान ही अब डीए दिया जाएगा। 4% की वृद्धि भी की जाएगी, इजाफा भी किया जाएगा और अब कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। हेलीपैड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम साय ने यह बड़ी घोषणा की है। तो कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के ही समान डीए की मांग को लेकर जो लगातार आवाजें बुलंद की जा रही थीं, उसको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संज्ञान लेते हुए पूरा कर दिया है। अब कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। तो ये बड़ी खबर, सीएम साय की ये बड़ी घोषणा। हेलीपैड पर जाते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कर्मचारियों को एक तरीके से ये दिवाली गिफ्ट दिया है। बड़ी खबर है ये, 50% डीए मिला करेगा अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र के समान ही डीए की मांग जो लगातार की जा रही थी, उसको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंजूर कर लिया है। अब कर्मचारियों को 50% डीए मिला करेगा। दिवाली गिफ्ट दिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों को। और यह बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर जाते वक्त पत्रकारों से बातचीत के दौरान की है। ये बड़ा तोहफा दिया है। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के समान हम लोगों को भी 50% डीए मिलना चाहिए। और इस मांग को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुना, बतौर दिवाली गिफ्ट उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है और अब 50% डीए कर्मचारियों को मिल सकेगा। ये बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार के समान ही डेली अलाउंस की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोहर लगा दी है, मंजूरी दे दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया, बड़ी घोषणा की और दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रदेश के कर्मचारियों के लिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ रहे हैं। नितिन, बड़ा तोहफा, दिवाली गिफ्ट, 50% डीए मिला करेगा, बताइए क्या कुछ बड़ी बातें इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगभग 10 मिनट पहले एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें शासकीय कर्मचारियों को अब जो महंगाई भत्ता है, जो डीए है, वो 46% था, उसे बढ़ाकर जो है 50% कर दिया है। यानी कि जो है निश्चित रूप से अब जो है कर्मचारियों के एक बड़ी जो है बड़ा ऐलान किया है कर्मचारियों को लेकर, और कह सकते हैं कि दिवाली तोहफा दिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चूंकि महासमुंद के लिए रवाना हो रहे थे, उसके पहले जो है उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और जो है निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को दिवाली तोहफे के रूप में दिया जा रहा है और जो 46% जो महंगाई भत्ता था उसे केंद्र के समान करके जो है 4% बढ़ा दिया गया है। अब यानी कि एक जो है नवंबर से 1 तारीख से जो है कर्मचारियों को सीधे रूप से जो है 50% महंगाई भत्ता मिलता नजर आएगा। इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से कर्मचारी जो है मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे, इसके पहले अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक के पहले ही एक बड़ा फैसला किया है और एक बड़ा ऐलान किया है कर्मचारियों को लेकर। अब निश्चित रूप से कर्मचारियों में इसको लेकर खुशी की लहर भी देखने को मिलेगी, चूंकि कई दिनों से इसको लेकर अलग अलग, चाहे तूताधन स्थल हो, चाहे नया रायपुर में हो, रायपुर में हो, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, अलग अलग तरीके से लगातार ये मांग कर रहे थे। और आज मुख्यमंत्री के साथ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी थे, इसके साथ ही दयाल दास बघेल जो खाद्य मंत्री है वो भी थे। दोनों ही जो है महासमुंद के लिए रवाना हुए हैं और 11 बजे ठीक इसको लेकर बैठक भी थी। और बैठक के पहले ही जो है संशय जताया जा रहा था कि निश्चित रूप से कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो आ सकता है। तो निश्चित रूप से लगभग 10 से बड़ा ऐलान किया है कि जो शासकीय कर्मचारी है उनको महंगाई भत्ते के रूप में 4% की बढ़ोतरी की गई है। यानी केंद्र के समान जो 46% महंगाई भत्ता मिला था, अब निश्चित रूप से आने वाले 1 तारीख से उन्हें जो है 50% महंगाई भत्ता मिलता हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से कर्मचारियों को दिवाली का एक बोनस के रूप में कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, 4% का इजाफा हो गया है। लंबे समय से मांग चल रही थी नितिन, कितनी बड़ी वो लगभग संख्या है जिसका लाभ मिल सकेगा इस बड़ी घोषणा का?
देखिए निश्चित रूप से कई हजार कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों में काम करते हैं, चाहे राजस्व संबंधी विभाग हो, इसके साथ ही पीडब्ल्यू संबंधी विभाग हो, मंत्रालय में हो, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो शासकीय विभाग में काम करते हैं। वो लगातार अलग अलग तरीके से कई दिनों से मुख्यमंत्री से मांग करते आ रहे थे। इसके साथ ही पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी तो इस मांग को लेकर उनके भी समक्ष कई बार प्रदर्शन कर चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी पूर्ववर्ती सरकार में मुलाकात कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मांग उनकी अटकी हुई थी। अब निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ठीक नगरीय निकाय चुनाव के पहले, इसके साथ ही रायपुर के दक्षिण उप चुनाव भी होने हैं, इसके ठीक पहले ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ा ऐलान किया है। और निश्चित बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस अहम जानकारी के लिए।